निशिकांत दुबे के एक ट्वीट ने झारखंड की राजनीति को एक बार फिर से गर्म कर दिया है। निशिकांत दुबे का नया ट्वीट राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले पर रघुवर दास के खिलाफ की जा रही कार्रवाई समेत कई मुद्दों को लेकर किया गया है। ट्वीट में राज्य के भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अधिकारियों को हिदायत के अंदाज में कहा गया है कि सरकार के इशारे पर नहीं कानून सम्मत काम कीजिए। श्री दुबे ने सरकार के इशारे पर काम कर रहे अधिकारियों को दिल्ली तलब कर लेने की धमकी तक दे डाली है। गौरतलब है कि निशिकांत दुबे का यह ट्वीट वैसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले ही बंगाल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच के विवाद के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को अविलंब दिल्ली रिपोर्ट करने का आदेश दिया है। जाहिर है बंगाल की घटना और निशिकांत दुबे के ट्वीट को एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है और इसी कारण झारखंड की राजनीति के लिए यह मुद्दा हॉट केक बना हुआ है। आज मुद्दा गर्म है में हम इसी ट्वीट की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच राज्य के आला अधिकारी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह पहली सरकार में पहला मौका है जब अधिकारी सरकार के तीमारदार के रूप में काम कर रहे हैं। इन सवालों का हल ढूंढने में हमारे साथ होंगे बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य। तो सबसे पहले चर्चा बीजेपी से ही शुरू करते हैं। प्रदीप जी, आखिर गोड्डा के सांसद निशिकांत जी ऐसे क्यों करते हैं? समझता हूं कि उनके बयान को, जो ट्वीट आया है, उसको दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश की गई है। उन्होंने जो कहा कि अधिकारियों को किसी सरकार के इशारे पर नहीं चलना चाहिए, ये बात मैं समझता हूँ कि उसके सर्विस रूल में भी ये होता है कि बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से आपको अपनी जवाबदेही निभानी है। और कहीं ना कहीं सरकार पर इसलिए भी प्रश्न खड़े होते हैं कि आपने देखा होगा कि मधुपुर के उपचुनाव के दौरान देवघर के डीसी को चुनाव आयोग बोलता है कि हटा दिया जाए, सरकार उसका पालन भी करती है, लेकिन जैसे ही चुनावी प्रक्रिया पूरी होती है, आचार संहिता हटता है, फिर उसी अधिकारी को वहां पर स्थापित कर दिया जाता है। नहीं प्रदीप जी, इसमें एक बात है प्रदीप जी, देखिए बात जब होगी तो द्विपक्षीय होनी चाहिए। आपने कहा कि इसको दूसरे अर्थों में देखना चाहिए, तो आखिर निशिकांत जी ऐसे ट्वीट क्यों करते हैं जिसके कई अर्थ निकल सकते हैं, ये सवाल है। और जहां तक आपने कल इनके ट्वीट को प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे से जोड़ा और वहां के मुख्य सचिव को जो डीओपीटी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है, तो उसके आपने चर्चा की, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री वहां कोई तफरीह करने नहीं गए थे। जो आपदा आई थी राज्य पर, उसके हवाई सर्वेक्षण के पश्चात लोगों के साथ विचार विमर्श था और राज्य सरकार को किस तरह से मदद दी जा सकती है, लोगों को कहां राहत पहुंचाई जा सकती है, उसके संदर्भ में बातचीत करनी थी। नहीं प्रदीप जी, इसमें सवाल इसमें माफ कीजिएगा आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से सवाल ये उठता है कि कल की घटना के बाद जिस तरह से धमकी भरे अंदाज में ट्वीट किया गया कि राज्य के पुलिस और प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, चाहे वो मधुपुर का मामला हो, ठीक है मधुपुर में चुनाव आयोग ने अपना काम किया, चुनाव आयोग पर लगातार ये आरोप लगता है कि वो केंद्र के इशारे पर काम चुनाव आयोग के लोग करते हैं, तो जहां केंद्र अपने तरफ से अपने हिसाब से काम करवाती है, राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा दिया गया कि राज्य सरकार अपने हिसाब से काम कराती है, तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है सरकारों पर कि अधिकारी सरकार के तीमारदार के रूप में काम करते हैं, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं है, और खास करके इस तरह से धमकी भरे अंदाज का ट्वीट, क्या कहेंगे इसको अपने आप में? धमकी नहीं दिया। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री के आधे घंटे देर से पहुंचते हैं, इसकी सजा दी गई उनको। प्रधानमंत्री झारखंड के परिपेक्ष में रखते हैं, झारखंड पर हम लोग चर्चा करो जी। वही बात उन्होंने कहने की कोशिश की कि आप पिछलग्गो मत बनिए किसी का, तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, आपके सर्विस कंडक्ट क्या कहते हैं, उस अनुसार आप बर्ताव कीजिए, तो निश्चित रूप से आप पर कहीं उंगली नहीं उठेगी। लेकिन आप उसके इर्द गिर्द जाएंगे और राजनीतिक आकाओं की छांव तलाशेंगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठेगा। सुप्रियो जी, जिस तरह से प्रदीप सिन्हा जी ने निशिकांत दुबे जी के ट्वीट पर अपना जवाब दिया या अपनी बात रखी और अपना पक्ष उन्होंने अपने हिसाब से तय कर दिया, आप
आप लोगों का क्या कहना है जिस तरह से ये ट्वीट आ रहा है, और पहले भी अगर देखा जाए तो निशिकांत दुबे जी का सोशल प्लेटफॉर्म पर जिस जिस तरह की चीजें आती हैं, आप लोगों को शुरुआती दौर से ही आपत्ति रहती है, आखिर इस ट्वीट को लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? नहीं देखिए मधुकर जी, आप तो पुराने व्यक्ति हैं और प्रदीप जी भी है, क्योंकि पार्टी से इनको आना पड़ा, बोलना पड़ रहा है, तो ये अपना डिफेंड करेंगे, उसके लिए नहीं। देखिए लेकिन जो राजनीतिक जो वाचालता है उसका पराकाष्ठा है निशिकांत दुबे जी का एक एक वक्तव्य, उनके पास में ये जुगाली करना छोड़े और कुछ आता नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने देखिए बहुत साफ शब्दों में कहा है, जो एक विचाराधीन जो केस चल रहा है इस संदर्भ में उन्होंने कहा है उल्टा जी पलटा जी। हम लोग सबको जानते हैं कौन है उल्टा जी, कौन है पलटा जी, कौन है ई जी ऊ जी, क्या क्या भाषा है ये भाषा, तो हमको लगता है कि भाजपा में किस तरह से सिखाया जाता है हम नहीं समझते। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में आपको दो दिन पीछे वापस जाना पड़ेगा कि रघुवर जी ने एक बयान जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा 2024 के बाद में आप लोग रिटायर करके ये मत समझिएगा कि आप लोगों का कुछ होगा नहीं। क्योंकि ये जो दम की भाषा बोल रहे हैं ना, ये सब दम की भाषा, इन लोगों का जो अधिनायकवादी जो चरित्र है, जो इनकी जो फासिस्ट सोच है, उसको परिलक्षित करती है। मतलब कौन नहीं जानता है कि हर आईएएस हर आईपीएस कैट के प्रति उत्तरदायी है, उनके लिए उनका जो संस्था है। हाँ देखिए ये यूपीएससी के अधिकारी है, लेकिन जब ये राज्य में आते हैं तो ये राज्य के अधिकारी है, और राज्य के जनता के प्रति राज्य में चुने हुए जो सरकार है जिसके मुखिया रहते हैं, तो उनके प्रति उनका एक दायित्व स्वाभाविक तौर पर बनता है। सुप्रियो जी, इसमें एक सवाल इसमें जरूर आता है, जो जिस तरह से प्रदीप जी ने ये आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने देवघर के उपायुक्त को पहले हटाया चुनाव के समय में, और उसके बाद आप लोगों ने फिर उनको वहां पदस्थापित किया, इस आरोप के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि चुनाव आयोग ने तो हटाया और उसके बाद आप लोगों ने उनको पदस्थापित किया, तो या तो चुनाव आयोग गलत था या आप गलत हैं। नहीं नहीं, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूँ कौन गलत है कौन सही है। आप देखिए मतदान के समय उनको नहीं हटाया गया, महिला तथ्य जो है उसको आप यदि देखिएगा कि कोई अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर यदि कोई हटता है तो वो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद में के पहले ही हट जाता है, नंबर वन। नंबर टू, नॉमिनेशन हो गया, प्रचार खत्म हो गए, वोट हो गए, उसके बाद उनको हटाने का फरमान आ गया। अरे भाई ये तो आप अब जो चाहिए आप कीजिए, क्योंकि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर तो आप लोगों ने जिस प्रकार से कब्जा जमा लिया है ये 303 के चक्कर में, तो उसलिए अब तो उसमें हम लोग बोलेंगे नहीं, 2024 में ही लोग बोलेंगे उसको लेकर। लेकिन ये तो जाहिर सी बात है, आप केवल काउंटिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को हटाए थे, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जब काउंटिंग पूरा हो गया उनका काम भी खत्म हो गया, तो उनके जगह में जो काम करते आए थे विगत लगभग एक साल से वो वहां पर पदस्थापित थे, तो उनको उस जिले का जिम्मेवारी दे दिया गया। तो इसमें दिक्कत क्या है, हमको तो नहीं लगता है। इस बीच चुनाव के पूर्व यदि हटाते तब आप बोलते कि वो अधिकारी मेरा है। सुप्रियो जी, आपके आपके साथी दल के तरफ से भी इस विषय पर बयान आया है, तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए, जिसमें कांग्रेस का कहना है कि वे कानून सम्मत कार्रवाई में सहयोग करें, धमकी देना बंद करें। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का यह कहना कि अधिकारी भाजपा नेताओं के अनुसार काम करें नहीं तो दिल्ली पोस्टिंग का इंतजार करिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निशिकांत दुबे का यह बयान अधिकारियों का मनोबल गिराने वाला है। टूटना और चूहे का कतर जाना, यही रघुवर दास के शासनकाल में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही का खेल हुआ है। और आप यकीन मानिए, जब हम कांची पुल के उद्भेदन होंगे तब यही भाजपा के नेता एक बार फिर से चिल्लाते हुए कहने लगेंगे कि इस भ्रष्टाचार में जो है राज्य की सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर काम कर रही है। कौन है वो आदित्यनाथ पांडे संवेदक जिसने
मुख्यमंत्री और उस समय के ग्रामीण मंत्री के कहने पर और उनके इशारे पर वो स्कूटी इंजीनियर। देखिए माननीय रघुवर दास जी, निशिकांत दुबे जी, आप ये लगातार कहते रहे कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार कार्रवाई कर सकती है, और जब कभी भी कार्रवाई के लिए साक्ष्य होते हैं, एविडेंस होते हैं, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर केस करने की बात करती है। और निशिकांत दुबे जी, रघुवर दास जी, आप ये धमकी दे रहे हैं आईएसआर आईपीएस अफसर। प्रदीप जी, अब जी। सवाल ये उठता है कि इनको तो इनके साथी का साथ मिल रहा है, लेकिन आपके पुराने साथी ही इस पर कहीं ना कहीं चुट्टी काटने का काम आप लोगों को कर रहे हैं। सरयू राय जी का बयान आया है, सरयू राय जी का ट्वीट आया है, उस ट्वीट से तो यही लगता है कि राय जी आप लोगों को बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सदैव उन लोगों का सम्मान करती है जो हमारी पार्टी में लंबे समय तक रहे, और राय जी का काफी योगदान रहा है भारतीय जनता पार्टी के। अभी भी वो योगदान करना चाह रहे हैं कि पार्टी पथभ्रष्ट हो रही है तो उसको जगह पर लाएं। उन्होंने कहा है कि कुछ घाव ऐसे होते हैं, शब्दशः कहना शायद उचित ना होगा, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जिसका ऑपरेशन जरूरी है, और हेमंत जी ने ऑपरेशन कर दिया है। अब ये तो बीजेपी को सोचने वाली बात है। देखिए, सोचने वाली बात बीजेपी के लिए नहीं है, मैं समझता हूँ इस सरकार के लिए अब करने का वक्त है, क्योंकि सरकार जब सत्ता में आई थी, सरकार ने बहुत जोर शोर से प्रचारित किया इन चीजों को कि वित्तीय स्थिति बिल्कुल खस्ता हाल है और हम व्हाइट पेपर लेके आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती दिया इनको कि अगर वित्तीय हालत इतनी खराब है तो आप व्हाइट पेपर लेके आइए, फैक्ट्स बताइए लोगों को। लेकिन आपने देखा होगा कि डेढ़ साल कितने को क्या वादा किया, लेकिन सरकार सामने नहीं। आपके घोषणा पत्र में क्या था प्रदीप जी? हम लोग आपके संदर्भ पे आ रहा हूँ। हाँ जी जी, मैं आपके सवाल पर आ रहा हूँ जी, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। सरयू राय जी ने जो ट्वीट किया है वो किस संदर्भ में किया, वो बातें राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के समझ में आती। तो भ्रष्टाचार का जो मामला है, मैं समझता हूँ कि सरकार को कार्रवाई करने की आवश्यकता है, न कि बात बनाने। तो जब कार्रवाई की जाती है तो कार्रवाई को तकलीफ क्यों होती है? नहीं, तकलीफ कार्रवाई को लेकर नहीं है, और प्राथमिकी अभियुक्त बनाए जाने को लेकर। अगर मान लीजिए थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कार्रवाई का हिस्सा है, कार्रवाई का हिस्सा है ये, मैं बता रहा हूँ। प्राथमिकी में जो लोग अभियुक्त हैं, आप जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सारी चीजों का पूछताछ के क्रम में किसी का भी नाम आता हो, सिटी कोई भी व्यक्ति किसी का भी नाम आता हो, आप उससे पूछताछ कीजिए। लेकिन मनसा तब आपकी खराब लगती है जब आप प्राथमिकी अभियुक्त में आप उनका नाम जोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पास अगर कोई साक्ष्य नहीं है, पिछले 4 सालों से मामला चल रहा है, कोई साक्ष्य नहीं है, सरकार में आए हुए 1.5 साल हो गए आपको, अब जाके आपको लग रहा है कि नहीं जल्दी से कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रियो जी को जवाब देना। सुप्रियो जी, जरा से एक मिनट कंप्लीट कर दो, 10 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भ्रष्टाचार के संरक्षण में खड़ा नहीं होगी, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पार्टी आज भी अपने लाइन पर क्लियर है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर है। क्या प्रदीप जी, कल आपकी सरकार, आपकी सरकार में बना हुआ पुल जो है ढह जाता है, उद्घाटन से पहले ढह जाता है, भ्रष्टाचार को आप मतलब किसी तरह से टॉलरेट नहीं करेंगे ये कहते हैं। खैर, सुप्रियो जी का जवाब सुनते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। सुप्रियो जी, बिल्कुल जी। देखिए, मैं तो अब तो हंसी ही आएगा प्रदीप जी पे, 2200 करोड़ का जो नदी का सीरियस होने की बारी है सुप्रियो जी, वो होने की बारी है, चूहा खा गया था, मैंने चूहा खा गया, तो ऐसे सबका छोड़िए, ठीक है। नहीं देखिए, हम तो कहते हैं कि क्या 4 साल पुराना मामला हो गया, 4 साल पुराना मामला हो गया तो मामला खत्म हो गया क्या? क्योंकि बाबूलाल जी तो इसके कंप्लेनेंट थे, तो बाबूलाल जी ने इस पूरे जो भ्रष्टाचार का जो अलोकतांत्रिक काम हुआ, दबाव बनाने का काम हुआ, ये तो बाबूलाल जी ने भंडाफोड़ किया था जोगेंद्र साहू के बयान पर, उन्होंने सीडी जारी की। अब तो ये लोग उनको विधायक दल का नेता बना दिया, बड़ा मजेदार बात है। तो अब बाबूलाल पे आपको कोई शिकायत नहीं रह गया, बाबूलाल जी बोल रहे 4 साल पुराना मामला आप छोड़ दीजिए। अरे उस समय आप बोलिए ना कि हम गलत बोले थे,
हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था सुप्रियो जी, एक सवाल तो ये सीधे सुप्रियो जी एक सवाल मेरे और मन ये में राज सर... नहीं, नहीं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये राज्य सरकार इस पे आदेश नहीं की है, इस पे जो आदेश हुआ है वो चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को बोला है कि आप इस पे कार्रवाई कीजिए, तब जाके ये केस बना है। ये तो केस खा के बैठ गए थे, ये तो सरकार को जो निर्देश था उसी निर्देश के तहत काम हो रहा है सुप्रियो जी, राज्य सरकार ने इनिशिएट थोड़ी की है। सुप्रियो जी, बाबूलाल जी का इस मामले में कंप्लेन करने वाला बनना, ये आप लोगों को कितनी राहत दे रहा है इस मामले में? क्योंकि राहत का बात नहीं है, देखिए देखिए राहत का बात नहीं है, जो आदमी राजनीतिक तौर पर अपने उसूलों के साथ नहीं रहता हो, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजधनवार से चुनाव लड़के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तथाकथित तौर पे विधायक दल का नेता भी बन गए, तो इसलिए उनको पहली जो उनका जो चारित्रिक गुण है उस हिसाब से उनको चाहिए था कि पहले राजधनवार जाए, लोगों के पास में जाके माफी मांगे, इस्तीफा दे और पुनः चुनकर आए, फिर जिस पार्टी में जाना हो चले। लेकिन अगर बाबूलाल जी आप लोगों को इस मामले में राहत नहीं दे रहे हैं, तो बार बार आप लोग ये बात क्यों कह रहे हैं कि बाबूलाल जी ने ही कंप्लेन किया था, हम लोग क्या करें? अरे तो जो फैक्ट है, जो हाईकोर्ट में मूव किया किसने किया, हम तो नहीं गए, जो चुनाव आयोग में जाने का काम किया वो बाबूलाल जी गए, हम तो नहीं गए। तो उस समय बहुत सारे आरोप लगाए थे बाबूलाल जी, उन सभी आरोपों की जांच होगी, तो इसमें बुराई क्या है? यदि कोई गलत हुआ है तो 6-7 साल पुराना नारदा केस, शारदा केस खुल सकता है, लेकिन 2016 का केस खुलने से प्रदीप जी को तकलीफ हो जाता है। प्रदीप जी आप प्रॉब्लम के साथ यही है। प्रदीप जी जवाब दीजिए, नारदा शारदा खुल सकता है तो फिर इस केस के खुलने में आप लोगों को तकलीफ क्यों है? नहीं, आपत्ति नहीं है, और मेरे बयान को सुप्रियो जी ने भी गलत ढंग से समझा कि मैंने कहा कि 4 साल पहले की एक केस थी और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, कोई साक्ष्य नहीं मिला रघुवर जी के खिलाफ। अब सरकार अगर कार्रवाई कर रही है तो हम उसमें बाधा भी नहीं बन रहे हैं, आप जांच कीजिए। लेकिन आज मैं एक इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा सुप्रियो जी से, और चाहता हूं कि वो जवाब भी दे। आज के अखबारों में चमेला लिंडा जी का जो बयान आया है कि मुख्यमंत्री जी के साथ किस तरह से उनकी वार्ता हुई, और उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जांच जितनी जल्दी हो आप करवाइए, तो इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कहना चाहेगी? जवाब दीजिए सुप्रियो जी। नहीं, चमला जी का बयान आज हम लोग भी पढ़े, ऐसा नहीं है कि कोई यदि अखबार में बोल रहे हैं तो हम लोग नहीं पढ़ते, पढ़ लिए हैं हम लोग, और उनको पार्टी के फोरम, देखिए वो पार्टी के विधायक है, हमारे कार्य समिति के सदस्य भी है, तो उनके साथ में हम लोगों का संवाद बना हुआ है, उनको जो भी बातें कहनी है वो लोग हम लोग कह देंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। प्रदीप जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये भी उठता है, आप दोनों के लिए ये सवाल एक एक करके जवाब चाहूंगा, कि ऐसा नहीं है कि किसी भी सरकार में ये पहली बार इस तरह का हो रहा है, जब जिसकी सरकार होती है, जिस तरह से अभी साफ तौर पर कहा गया, नारदा शारदा की चर्चा सुप्रियो जी ने की, जहां जो सरकार जिस तरह से चाहती है अपने हिसाब से अधिकारियों को कहीं ना कहीं डिक्टेट करती है, यहां भी यह कोई पहला मामला नहीं है, चाहे वो विधानसभा के अंदर का मामला हो या विधानसभा के बाहर का मामला हो। आज जिस पहले भी हेमंत जी पर तमाम तरह की सूची लेके, मुझे आज भी याद है, मैं प्रदेश कार्यालय में हुआ करता था, आप भी रहते थे, हर दिन एक नई सूची जारी होती थी कि यहाँ ये जमीन, वहाँ वो जमीन, पूरा मसला जो है वो जमीन पर आकर के टिक जाता था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता था। आपने किया, आज ही लोग बदला ले रहे हैं, तो राजनीति में ये जो बदले का दौर है ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। पहले प्रदीप जी आप जवाब दीजिए, क्या ये बदल, जिस तरह से बदला खेला जा रहा है, ये उचित है? देखिए, राजनीतिक में व्यक्तिगत विद्वेष का कहीं स्थान नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति ने गलती की, उसके चलते राज्य को नुकसान हुआ, तो निश्चित रूप से जो कार्रवाई का तरीका होता है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए। और जहां तक आपने जो चर्चा किया कि जिस तरह से जमीन के कागजात थे, आरोप लगाए जाते थे, कुछ हुआ नहीं,
तो मैं समझता हूँ कि राज्य की जनता भी क्लोजली वॉच कर रही थी सारी चीजों नहीं, को। इसमें एक महत्वपूर्ण याद करा दूं आपको, आप याद कर लीजिए कि उस एक, समय एक आप बात मैं कहना चाह रहा था, आपको मैं कहने आपके का मन की पूरा ही बात कहने जा रहा, मेरे मैं मन आपके मन में की ही कुछ बात नहीं कहने जा रहा, मेरे मन में जो आपके मन की बात कहने जा रहा, मेरे मन में ये सवाल है कि लोकतंत्र का इतना भद्दा मजाक आखिर राजनीतिक दलों के लोग क्यों करते हैं? ये तो समझना चाहिए कि जनता ने उनको भेजा है, किस लिए भेजा है, क्या उसका पर्पस है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब आप सूची लेके आते थे तो हेमंत जी चैलेंज करते थे कि गिरफ्तार करके दिखाओ, आपने उस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया, जेएमएम ने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया और उन्होंने उनको अभियुक्त बना दिया रघुवर जी को। अब इसको लेकर के एक नई कहानी शुरू हो गई है, इसमें क्या तकलीफ की बात है? नहीं देखिए, मैं वही कहने जा रहा था, आपने बीच में प्रश्न कर दिया, मैं कहने जा रहा था कि जो चीजें जनता को पसंद नहीं आती तो मैं समझता हूं कि जनता समय पर जवाब देती, और 2019 का विधानसभा चुनाव इसके लिए उपयुक्त समय था। मैं बहुत बेबाकी से कह रहा हूं इस चीज को, बहुत सारे लोगों को, मैं समझता हूं कि जेएमएम के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको बहुत सुकून लगेगा मेरी बात से, या आपको भी लगेगा कि आश्चर्य कि आखिर बीजेपी का प्रवक्ता ऐसा कैसे बोल सकता है। लेकिन मैं कहता हूं कि हम जनता के लिए काम करते हैं और जनता सारी चीजों की समीक्षा करती है, अगर उसको पसंद आ रहा है हमारा काम, क्रियाकलाप हमारे कामकाज अच्छे लग रहे हैं। लोकतंत्र में सरकारों का आना जाना चलता रहता है, आप भी स्वीकार कीजिएगा, प्रदीप जी भी स्वीकार करेंगे और मैं भी स्वीकार करता हूं। अगर 2024 में माहौल बदलता है, स्थितियां बदलती हैं और ऐसी ही कार्रवाई बीजेपी अगर करने लगती है तो आप लोगों के ऊपर क्या गुजरेगी, कभी इसके बारे में भी विचार हुआ है? जी निश्चित तौर पे हुआ है, क्योंकि हम लोग 2014 से 19 तक तो यही चीज देखे कि 2015 में एक एसआईटी का गठन हुआ देवाशीष गुप्ता जी के नेतृत्व में कि हेमंत सोरेन जी का कितना प्लॉट है। मुझे पक्का याद है 5 साल में 55 बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पूरा का पूरा दस्तावेज जारी कर दिया। उस एसआईटी का 5 साल में कोई रिपोर्ट आया नहीं, जब करके एसआईटी ने सरकार को दे दिया था। उस पे क्या है नहीं है वो तो सरकार बताएगी, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन ये 2024 का देखिए तो यही तो इन लोगों के पास में इनका दम्भ बोलता है कि रघुवर जी बोलते हैं 2024 के बाद रिटायर होने के बाद भी हम आपको देख लेंगे। अरे किसको आप धमकी दे रहे हो? सुप्रियो जी आपने कंक्लूड किया, आईएएस आईपीएस अब प्रदीप जी को भी मौका, प्रदीप जी को भी मौका नहीं, दीजिए। मैं पूरा बोला नहीं जी, हूं। जी, मैं हाँ, बोला नहीं हूँ, आप बोल लीजिए, बोल लीजिए। मैं पूरा बोला नहीं हूँ, आप ये क्या धमकी दे रहे हैं आईएएस आईपीएस को? आप अपना इस पे नचाएंगे क्या? आप बोलेंगे दिल्ली रिपोर्ट करवा देंगे? अरे वाह, मजाक है क्या? कोई फेडरल सिस्टम नहीं होता है क्या? एक सांसद का इतना राजनीतिक हैसियत बढ़ गया कि एक चीफ सेक्रेटरी को बोलेगा, उसका डीजीपी को बोलेगा कि तुमको हम यहाँ से खिंचवा लेंगे, ये कौन सा तरीका है प्रदीप जी? इसलिए देखिए ये प्रदीप जी, सुप्रियो जी आप लोगों की बात से, ये ट्वीट से कितने नाराज कितने दुखी हैं ये आप सीधे तौर पर देख रहे हैं। क्या रघुवर जी 2024 का इंतजार कर रहे हैं? क्या रघुवर जी को पूरी उम्मीद है 2024 को लेकर के? आप इसको कंक्लूड करके बताइए कि आखिर ये मामला कहां तक जाएगा? क्या आप लोगों ने मन में बना के रखा है कि 2024 के बाद? देखिए मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि पार्टी किसी भी व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमती है, पार्टी का अपना एजेंडा होता है, पार्टी की अपनी नीति होती है और उसी निर्धारण के अनुरूप हम लोग आगे चलते हैं। इसलिए लेकिन रघुवर जी का तो कॉन्फिडेंस बता रहा है कि जैसे 24 के बाद वही सब कुछ रहेंगे, तभी तो बोल रहे हैं। ये समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाएगी, सरकार की कमियों को जो उजागर हम समय समय पर करते रहते हैं वो करते रहेंगे, और सरकार को अपने संवैधानिक दायित्व का पालन करने के लिए भी हम बाध्य करेंगे। एक प्रतिपक्ष के होने के नाते हम सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और जनता को अगर हम पसंद आएंगे तो निश्चित रूप से जनता हम पर भरोसा करेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इतना तो तय है कि बदले की राजनीति अंदर खाने भले चले, लेकिन कोई भी पार्टी इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना है कि 2024 के बाद आखिर क्या क्या रंग राजनीति यहाँ की दिखाती है।